आपकी शादी नहीं हुई है और आप सबको उल्लू बना रहे हो। एक्चुअली हमारे पास प्रोटेक्ट कृति सनन की फिल्म लुका छुपी ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। लव एंड रिलेशन के मुद्दे पर बनी इस फिल्म को कॉमेडी अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म ने दो दिन में ही 18 करोड़ कमा लिए हैं। लुका छुपी ने शुक्रवार को धमाकेदार ओपनिंग करते हुए पहले दिन ही 8 करोड़ की कमाई कर ली है। लुका छुपी ने 10 करोड़ की कमाई कर ली है। मूवी ने दो दिन में ही 18 करोड़ कमा ली है। इसी के साथ ये फिल्म ओपनिंग डे कलेक्शन के लिहाज से कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हो गई है। लुका छुपी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म सोन चिड़िया भी रिलीज हुई है, मगर इस फिल्म से लुका छुपी को कोई भारी नुकसान नहीं होगा। सोन चिड़िया अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मगर इसे लुका छुपी के मुकाबले काफी कम स्क्रीन मिली है, इसी कारण दोनों की तुलना करना गलत होगा। वहीं फिल्म रिलीज से पहले मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें कई सितारे पहुंचे। स्पेशल स्क्रीनिंग में सारा अली खान और अनन्या पांडे की बॉन्डिंग एक बार फिर देखने को मिली। सारा ने जहां डेनिम ड्रेस पहन रखा था, तो वहीं अनन्या ने शॉर्ट ब्लैक ड्रेस कैरी की थी। फिल्म के दोनों मुख्य किरदार कार्तिक आर्यन और कृति सनन अपने परिवार के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे। वहीं सोनाक्षी सिन्हा और आयुष शर्मा भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। अब देखना ये होगा कि लुका छुपी में कार्तिक और कृति की जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।